हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। ये आपके सामने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 cc, देख सकते हो इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है रॉयल इनफील्ड में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। ये है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 cc रेडिच, देख सकते हो। इसका मैं आपको स्पीडोमीटर ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये पहले नहीं आता था डिजिटल फॉर्म में, लेकिन अभी जो नई वाली रॉयल इनफील्ड आ रही है उनमें हमें बीच में डिजिटल फॉर्म में देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। जिस पर आपको क्या माइलेज दे रही है और कितना फ्यूल बाकी है, पहले रॉयल इनफील्ड में फ्यूल नहीं दिखाता था, और लेकिन अभी इनमें नए सिस्टम कर दिए गए हैं, देख सकते हो आप लोग। इसी बटन से आप सेल्फ चालू कर सकते हो और इसी बटन से आप इंजन को बंद कर सकते हो। और एक और अच्छा फीचर है, एक बटन से आप चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन कर सकते हो। काफ़ी लोग ये वाला सिस्टम बाहर से लगवाते थे, लेकिन अभी रॉयल इनफील्ड ने पहले से ही दे दिया गया है। और यहाँ से गोल से ही आप पास कर सकते हो, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यूँ करके पास और ऑन ऑफ लाइट, अप एंड डाउन कर सकते हो और पास कर सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है, इसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा। देख सकते हो आप लोग, ये चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाते हैं। ये रात को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और रॉयल इनफील्ड की आपको पावर बताइए, पावर काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और ABS सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये छोटी वाली जो, ये बड़ा है ये तो डिस्क ब्रेक है, और जो छोटा वाला है वो है ABS। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता था, उनके लिए बता रहा हूँ भाई मैं ये वाली बात। तो देख सकते हो आप लोग, इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये छोटी छोटी लाइटें रॉयल इनफील्ड में काफ़ी पहले से आ रही हैं, जब से रॉयल इनफील्ड चालू हुई है तब से आ रही हैं। और ये जो आगे हमें क्लच और ब्रेक दिए गए हैं डिस्क दोनों, ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं क्वालिटी के साथ। और यहाँ पर हमें रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है, कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे भी इंजन पे भी ये 350 cc का EFI इंजन है, जो काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी रिफाइंड इंजन बनाया गया है। माइलेज की बात करते हैं तो लगभग ये हमें 35 से लेके 40 तक का माइलेज दे देती है ऑन एन एवरेज स्पीड पे आप लोग चलाते हो तो। और इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट रखा गया है, किक रिमूव कर दी गई है, अच्छी बात है, किक रिमूव कर दी गई है। और यहाँ पे ही साइलेंसर के ऊपर हमें एक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका पैर वगैरह नहीं जलेगा। और दो लोग की जगह आसानी से, दो लोग बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, देखते हो। और पीछे एक सपोर्टर मिल जाता है, और बाकी ये अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग सपोर्ट मिलता है। अच्छा अच्छा भी मिलता है, क्लासिक भी मिलता है, नॉर्मल मिलता है। और लाइटें पीछे हमें गोल भी मिल जाती हैं और राउंड शेप में मिल जाती हैं, और भी अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। जैसे जिस हिसाब से आप रॉयल इनफील्ड को कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, वैसे ये आसानी से चेंजेस हो जाएगी। और आप इसमें एलॉय भी डला सकते हो, मैंने नहीं डलाए हैं एलॉय, लेकिन आप इसमें एलॉय डला सकते हो। स्पोक भी डला सकते हो, आपको गाड़ी किसके साथ ज़्यादा मजबूत और अच्छी लगती है, स्पोक के साथ या फिर एलॉय के साथ, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं साइड स्टैंड की। तो ये साइड स्टैंड अगर लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, सेल्फ नहीं लेगी गाड़ी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है सेफ्टी पर्पज़ से। जहाँ तक बात है, रॉयल इनफील्ड काफ़ी सेफ्टी रखता है अपने कस्टमर की, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे मैं लेग गार्ड भी देखने को मिल जाता है, और लेग गार्ड के जस्ट नीचे एक अच्छा फीचर आया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो। ये जो पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है। जैसे कभी नीचे कोई कुछ भी आता है, ब्रेकर ज़्यादा बड़ा, या फिर गांव वगैरह में खेत में चलाते हो आप, तो ये आपके इंजन को कवर कर लेगा, मतलब आपके इंजन पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा। और ये अभी जो नई वाली रॉयल इनफील्ड आई है, सिर्फ इनमें ही देखने को मिलता है। तो और ये सिस्टम है नया, देख सकते हो, EFI का इंजन है, नए नए फीचर आ रहे हैं। प्राइस की बात करते हैं हम, तो ये लगभग हमें 2,10,000 के समथिंग पड़ जाती है, और बाकी 2-4 हज़ार का फ़र्क अलग अलग जगह के हिसाब से पड़ता रहता है। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई रॉयल इनफील्ड लेनी चाहिए या नहीं, भाई बिल्कुल लेनी चाहिए, एक अलग ही क्रेज़ है। 350 cc की बाइक है, इससे आप अच्छे और लंबे टूर पे आसानी से जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। भाई मैंने काफ़ी चला रखी है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 cc, बहुत अच्छी चलती है, पावर काफ़ी अच्छी है। और जो लोग रॉयल इनफील्ड को पहली बार ले रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग एक बार नई रॉयल इनफील्ड ही लें, क्योंकि उसका एक अलग ही क्रेज़ रहता है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मिरर है, मिरर यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे और राउंड शेप में दे दिए गए हैं। अभी मैं आपको एक बार सामने से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये मिरर भी हैं, और यहाँ पे नया लुक दे दिया गया है इंडिकेटर में। और इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का हमें का पूरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें, तो लगभग 13 से 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि पेट्रोल है। और दो लोग की आसानी से जगह है, वैसे 3 लोग भी बैठ जाते हैं अगर आप सिटी वगैरह में नहीं चलाएँ तो। वैसे
आपको दो ही लोग बिठाने चाहिए और विद हेलमेट के साथ, तो ठीक है आप एक्सपेरिमेंट ना करें ज़्यादा। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और गाड़ी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपका भाई आपके सामने है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।